हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से मेरा नया काम शुरू हो रहा है, तो आज से मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया है आप लोग के साथ। जो भी मैं दिन का रूटीन होगा वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये मेरा सुबह का है, मॉर्निंग का टाइम है, तो झाड़ू लगा रही हूँ मैं किचन में। किचन और हॉल उतना ही सा छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी हमारे पास। तो सुबह का टाइम है ये, तो पहले झाड़ू से ही शुरू करते हैं। और अभी क्या है ना, सब सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है इधर उधर, क्योंकि छोटे से बड़े में जाओ तो सामान एडजस्ट होता है, और बड़े में से छोटे में आओ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। मतलब सामान सेट करने में समझ में नहीं आता है कि कहाँ कहाँ सेट करूँ, क्या सामान है, कहाँ रखूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान मैंने निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए छोटा सा है। तो बहुत सारा सामान हमने हटा दिया है। तो ये 2 दिन का क्लिप है, तो अभी मैं इसमें पोछा लगा रही हूँ किचन में। और यहाँ का किचन भी थोड़ा छोटा है, वहाँ वाला किचन बड़ा था मेरा। तो वहाँ पे 1 BHK था, बेडरूम और किचन का था, और यहाँ पे ना बना के है। तो बस छोटा बड़ा कुछ नहीं है, अभी जो भी है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, समय के हिसाब से, जैसा अपने पास समय है। तो बस अपने हिसाब से अभी चलना है, कि जितना अपने पास मतलब खर्चे के लिए है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी तो हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी मैं, कि हर चीज़ शेयर करूँगी। तो बस ये पोछा लगा रही हूँ मैं, और उसके बाद देखिए आगे मैं क्या क्या करती हूँ, जितना हो सकता है उतना हिम्मत करके लेके आ सकती हूँ आपके सामने है। हाँ, इतना है कि जो गलतियाँ मैंने काफ़ी खैर की थी तो वो अब नहीं करनी है, कि कोई चीज़ नहीं छुपाना है। छुपाने से ना वो क्या है, अपने अंदर ही वो चीज़ें रहती हैं। तो बस वो नहीं छुपाना है। तो अभी हर चीज़ आपके सामने शेयर करूँगी, बस आप लोग मेरी हिम्मत हो। हाँ, मैं क्या करती हूँ वो भी मैं बताऊँगी, अगर मैं सक्सेस हो गई तो, आप लोगों की दुआ से, कि आप लोग मुझे इतना सक्सेस कर दो। जो गम है वो तो खैर ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता है मेरा, कोई कैसा भी हो अपना होता है। तो बस ये हॉल है, हॉल में अभी क्या है ना, मशीन मेरा भारी रखा हुआ है, कि बाथरूम में थोड़ा सा जगह, मतलब जिसका घर है उनका सामान रखा हुआ है, तो बाथरूम में एडजस्ट हो जाएगा तो जगह हो जाएगी। और सामान इधर से उधर शिफ्ट करने में ना, सब लकड़े का सामान होता है, सब खराब हो जाता है। ये हमारा शोकेस था, काफ़ी बड़ा था, उसके 3 पार्ट हमने कर दिए, तो 2 पार्ट हटा दिए क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। काफ़ी बड़ा था, उसमें बहुत सारा सामान हमारा आ जाता था, सब कांच की क्रॉकरी वगैरह भी, मैंने वो भी बहुत सारी सबको दे डाली है, क्योंकि जगह नहीं है अपने पास रखने के लिए। और क्या करेंगे, वो भी चिल्लाते थे इतना सामान भर के रखती है, कुछ करती नहीं है। तो मैं बोलती थी मेरा सामान है, रहने दो, आपको नहीं करना है, मुझे साफ़ सफाई मुझे करनी है। अगले अभी मैंने सब हटा दिया है, क्योंकि वो शोकेस हट गया तो शोकेस का जो सामान है उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कहाँ मैं रखूँ कांच के बर्तन। तो जितना है बॉक्सेस में है वो मैंने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिए हैं। बॉक्स वाले क्या है, ख़राब नहीं होंगे, उसको बांध के रख दो। जो खुले हुए बर्तन हैं, कांच की कटोरियाँ, ग्लास, वो सब ना रखने को जगह नहीं है। किचन का मैं दिखाऊंगी आपको रूटीन। तो बस ये पोछा लगा रही हूँ, और आप लोग बस हिम्मत बनाए रखना मेरी। यहाँ पे ना काफ़ी आवाज़ें आती हैं, मेन रोड है तो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। तो ये साइड में दिखाऊंगी मैं किसी दिन, अलमारी रखी है और साइड में लड़के का लैपटॉप वगैरह उधर रखा हुआ है। तो बस क्या बोलूँ अभी,
तो आप लोग देख लीजिए। और थोड़ा सा कुछ हमने ये किया है, सुबह का नाश्ते का डाला हुआ है, तो नाश्ते में आज कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि पोछा नहीं लगता है मेरे से, दो काम नहीं होते, कपड़े नहीं धुलते, पोछा नहीं लगता है। तो ये बथुआ मैं लाई थी उस दिन, दो तीन दिन का रखा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि कुछ कर पाऊँ क्योंकि अभी घर को चेंज किया है तो वो सब सामान अभी लगाना पड़ा, अभी किचन का पूरा सामान है, तो ये बथुआ मैं साफ कर रही हूँ। और इसके नाश्ते में सुबह में पराठे बना देंगे अभी, तो बच्चे वही खा लेंगे। तो ये बथुआ क्या है ना, इसको हम बॉईल नहीं करेंगे क्योंकि बॉईल करने से ना उसका जो हम पानी निकाल देते बॉईल करके फिर पीसते हैं, हमारे इधर ऐसा ही बनता है, बॉईल करके पीस लो और उसका पानी जो रहता है वो फेंक दो, हम वो नहीं करेंगे। इसको हम साफ करके कट करके धो के और इसको हम फ्राई करके फिर डालेंगे। तो ये हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा तेल डाल के, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो बथुआ का पानी है वो इसी में ये सूख जाता है, तो इसको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस इसमें हम बथुआ डाल देंगे, और इसमें आप जीरा वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, मैंने तो अभी नहीं डाला है क्योंकि मैं एक्चुअली अजवाइन डालती हूँ। तो अजवाइन अभी मेरे सब डब्बे पैक रखे हैं, उनको अभी ढूंढना है मुझे क्योंकि किचन साफ़ करूँ, फिर किचन के बर्तन जो भी हैं उनको साफ़ करके फिर मैं लगाऊँ, तब सब सामान मिलेगा, क्योंकि अभी तो अलमारियाँ और सब ऐसा सामान है वो सब सेट हो पाया है, तो अभी किचन का रह गया है। तो ये बथुआ मेरा फ्राई हो रहा है और साइड में चाय बन रही है और आलू की सब्जी बन गई है, आलू और कैबिज पत्ता गोभी की सब्जी बन गई है। तो ये बथुआ हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि इसमें जो पानी होता है वो सूख जाएगा। और इसमें अभी हम मिर्ची डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर, आप इसमें हरी मिर्ची भी कट करके डाल सकते हैं, और नमक डाल देंगे। अभी क्या है ना, घर बहुत साफ़ करने की ज़रूरत है कि पहले कोई रहते थे और पता नहीं बहुत सारा गंदा घर पेंट वगैरह किया है उन्होंने, अगले मुझे भी इतना टाइम नहीं मिला था, और लड़का मेरा साफ़ करके गया था एक दिन, तो अभी खिड़कियाँ वगैरह सब साफ़ करनी है, बहुत सारा काम है। तो ये जो प्लास्टिक का ड्रम दिख रहा है, ये हम लोग के यहाँ ना थोड़ा पानी की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए हमने लिया था, तो इसको भी सोच रही हूँ बाथरूम में हटा देंगे तो जगह हो जाएगी वहाँ पर। और बस बथुआ हमारा फ्राई हो गया है तो हमने आटा गूंद लिया है, क्योंकि आटा गूंदते नहीं हमने देखा पाया है, और बस इसके हम पराठे बना लेंगे। तो पराठे बच्चे चाय के साथ खाना चाहेंगे तो चाय के साथ खा लेंगे, नहीं अपना सब्जी भी बनी है, दाल भी बन गई है, खाली राइस बनना बाकी है, वो फिर गर्म रहेगा उसी टाइम हम बना लेते। तो इसमें क्या है, अभी हम नाश्ते को पराठा बनाएंगे, उसी में हम रोटियां बना के भी रख देंगे। अभी क्या, पहले बच्चे हमारे रोटी नहीं खाते, छोटा खाता था, बड़ा वाला नहीं खाता था, कल अभी गांव गया तो सबने बोला, तो अभी वो रोटियां खाता है, पहले नहीं खाता, पहले उसको रोटी खाना बहुत भारी पड़ता था, उसको बोलती थी रोटी खा लो तो नहीं, उसको चावल, मतलब चावल खाता था तो चावल से ज़्यादा मुंह में ये नहीं करना पड़ता है इसलिए। तो बस हमारा ये पराठा बन रहा है, बस छोटा सा ही वीडियो है, तो अभी कोशिश करूँगी थोड़ा और अच्छे से लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड था मैंने मंगवाया था वो ट्राईपॉड मेरे से ही ना नया ही टूट गया था, कि नया ही टूट गया था, तो वो फिर आज कल मैंने एडजस्ट करके उसको कैसे भी लगाया है। तो बस अब आपके साथ शेयर करती रहूँगी हर चीज़। तो पराठा हमारा सीख रहा है, बहुत सारी बातें हैं, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या करूँ, नहीं समझ में आता है कि ज़िंदगी इतनी जल्दी उजड़ेगी वो भी नहीं मालूम, नहीं रो सकती बच्चों के सामने, बच्चे चिल्लाते हैं फिर फ़ोन भी नहीं देते, हाथ में रोती रहती हूँ दिन भर, दोनों के दोनों चिल्लाते हैं। हाँ, जहाँ मैं अभी रहने को आई हूँ वहाँ मैं काफ़ी साल रखे गई थी, 10, 12, 11, 12 साल रखे गई हूँ, तो सब लोग बोले तुम इधर ही आ जाओ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा, बच्चे भी यहाँ रहेंगे,
तो मैं बस पुरानी सोसाइटी में आ गई हूँ। यहाँ से जाके हमको 5-6 साल ही हुआ था और उसी में सब कुछ ख़त्म हो गया हमारा। तो हमारा पराठा तैयार हो गया है, इतना दर्द मिलेगा नहीं मालूम था। ये दर्द मेरा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हाँ कोशिश करूँगी, कर रही हूँ कोशिश कि कर रही हूँ। बस बच्चे भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए उनको छोटा मोटा, जिससे हमारा घर चले। हम भी देख रहे हैं कि हम जो करते थे वो हमको मिल जाए। तो अभी क्या है, अभी तो चल रहा है, जब तक चला सकती हूँ चला रही हूँ। आगे का फिर सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है, कि अभी बच्चों की पढ़ाई भी रुकी पड़ी है, सब सब कुछ अधूरा रह गया। तो पराठा मेरा तैयार हो गया है, कि सब चीज़ अधूरी हो गई, बस इतना सा ही वीडियो है। तो मिलेंगे फिर आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।